दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं रिंग एप्लीकेशन के बारे में और इस एप्लीकेशन के लेकर काफी लोगों को पता होगा कि एप्लीकेशन फिलहाल किस तरह से ये काम कर रही है। सर्विस चार्ज बोले या फिर ट्रांजैक्शन फी के नाम पर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस ले रही है। किसी के प्रोफाइल में 3% हो, 5% हो या फिर मैक्सिमम 10% भी देखने को मिलता है। कैसे वो चीज़ें भी हम आपको दिखा देते हैं। मोर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपके सामने बैंक अकाउंट डिटेल आ जाता है। अगर नहीं है तो ऐसे में ऐड ए न्यू बैंक अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा और बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह ऐड कर लेना होगा। यहाँ पर फिलहाल हमने यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ पर दे रखा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं यहाँ पर देख पाएंगे कि 4444 रुपए के फिलहाल लिमिट है। अब ऐसे में यहाँ पर 4000 रुपए यहाँ पर एंटर करते हैं, मतलब 4444, तो ऐसे में आपको नीचे में देखने को मिलेगा भाई 10% यहाँ पर ट्रांजैक्शन फी चार्ज की जा रही है। पिछले मंथ ही यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर लिमिट बढ़ाने के नाम पे भी अलग से पैसे चार्ज इन्होंने यहाँ पर किया था और अलग से साथ ही साथ इन्होंने 10% ट्रांजैक्शन फी भी अप्लाइड कर दिया है किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो देखो यहाँ पर लोन अप्लाई करना या फिर लिमिट का इस्तेमाल करना या नहीं करना ये दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इस वीडियो में बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि आप किसी भी लिमिट का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको यहाँ पर 10% ट्रांजैक्शन फी देने ही होंगे। अगर वो कोई फर्स्ट टाइम अगर इस एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई करता है, लिमिट पाना चाहता, तो ऐसे कंडीशन में उनके साथ भी यही होगा। यहाँ पर इंक्रीज लिमिट को करने के लिए, यहाँ पर लिमिट बढ़ाने के लिए एक अलग से आपको चार्जेस देने होंगे, साथ ही साथ 10% ट्रांजैक्शन फी भी आपको दोस्तों किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर ट्रांजैक्शन फी अलग से देना ही होगा। तो एप्लीकेशन दोस्तों ये कुछ इस तरह से काम कर रही है। फिलहाल आपको ये भी बता देना चाहते हैं यहाँ पर ये जो QR कोड की जो प्रॉब्लम है ये स्कैन करते हुए आप बिल पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ये सीधा आपको कहता है कि आप बैंक में पैसे ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। हालांकि इस ऐप के अंदर में कई तरह का फीचर अब आपको देखने को मिलता है। पहले QR कोड के जरिए से पैसे ट्रांसफर कर पाते थे, भले ही आप पर किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन फी के नाम पर पैसे चार्ज करती हो, 2% हो, 4% हो, 5% हो या फिर मैक्सिमम 10% भी ये चार्ज करती है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। अब आपको यहाँ पर बैंक ट्रांसफर भी बड़े आसानी से कर सकते हैं, लेकिन चार्जेस यहाँ पर वही लगेगा। यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, DTH, गैस, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन या फिर फास्टैग के जरिए से भी पैसे आप ट्रांसफर या फिर फास्टैग वगैरह रिचार्ज कर सकते हैं। व्यू मोर के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यूटिलिटी बिल पेमेंट से रिलेटेड इंश्योरेंस, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट का ऑप्शन, काफी चीजें देखने को यहाँ पर मिल जाता है। टैक्स एंड सर्विस का भी फीचर देखने को मिल जाता है। अब डिपेंड करता है दोस्तों आपके ऊपर इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना। मेरा काम तो सिर्फ और सिर्फ जानकारी देने का, एप्लीकेशन अब इस तरह से ये काम करती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर मजबूरी पड़ती है तो ही आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें, वरना आप अप्लाई भी ना करें, ना लोन के लिए अप्लाई करें, ना लिमिट पाने के लिए अप्लाई करें। तो एप्लीकेशन जिस तरह से दोस्तों ये काम करती है वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर दोस्तों दिखाने की कोशिश किया है। कुछ दिन पहले एप्लीकेशन ये ऐप काम नहीं करती थी, जिसमें कि यहाँ पर देख सकते हैं 15 सितंबर अगर देखा जाए तो महीने के 1 तारीख को यानी 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक ये ऐप फिलहाल काम नहीं कर रही थी। इसका अपडेट्स भी मैंने दिया था और काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा, तो मैं आपको इस वीडियो में कन्फर्म बता दे रहा हूँ। फिलहाल एप्लीकेशन ये काम कर रही है, एप्लीकेशन लगभग सभी लोगों को ये प्रोवाइड करा रही है लिमिट्स और उस लिमिट का इस्तेमाल भी बड़े आसानी से कर पाएंगे। बैंक में ही आप लिमिट को ट्रांसफर कर पाएंगे, ना कि QR कोड के जरिए से, तो सीधे अपने बैंक खाते में पैसे बड़े आसानी से ट्रांसफर दोस्तों कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट्स और ये बताने की जरूरी था भाई कि ये ऐप किस तरह से काम करती है। अब लोन लेना नहीं लेना वो दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप ये प्रोसेस जानना चाहते हैं कि एप्लीकेशन के ऊपर किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, फिर भी आपको मौखिक तौर पर बता देता हूं। जो भी आपके बैंक में आपका मोबाइल नंबर दिया होगा वही नंबर के साथ आपको यहाँ पर दोस्तों वेरिफिकेशन करानी होती है, उसके बाद आपको यहाँ पर लिमिट इंस्टेंट मिल जाती है अगर मिलना होगा तो। तो इस तरह से दोस्तों ये ऐप काम करती है। लोन लेना नहीं लेना वो दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है और क्या चार्जेस वगैरह लग रहे हैं वो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको काफी पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।